नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उपस्थित हूँ। मेष राशि का मासिक राशि फल मार्च 2019 को लेकर के क्या खास रहने वाला है मेष राशि के जातकों का, मार्च के माह में कैसी ग्रहों की स्थिति रहेगी, कब ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और इस गोचर से आपको क्या लाभ अथवा हानि होने के संकेत हो सकते हैं, मैं यह राशिफल प्रारंभ करूं। उससे पूर्व यह बता दूं कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़ें। यदि आपका चंद्रमा एक अंक जहां पर लिखा है वहां विराजमान है तो आपकी मेष राशि बनती है। सर्वप्रथम आप सभी मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके संपूर्ण परिवार पर कृपा बनाए रखें, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। तो आइए देखते हैं क्या है मेष राशि के जातकों का मार्च के माह में। सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं इनकी ग्रह गोचरीय व्यवस्था पर, कैसे रहने वाली है मार्च में मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचरीय व्यवस्था। मेष राशि का स्वामी मंगल स्वराशि में ही विराजमान है, अपने मेष राशि में ही विराजमान है जो कि लग्नस्थ है। गुरु अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि में विराजमान है। सूर्य आय स्थान में कुंभ राशि के विराजमान है। शनि धनु राशि में है। शुक्र मकर राशि में। राहु कर्क राशि में दशम स्थान में, माफ करना चतुर्थ स्थान में, और साथ में केतु मकर राशि में दशम स्थान में विराजमान है। 22 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय स्थान में वृषभ राशि के आ जाएंगे। वहीं 7 तारीख को इस भूमंडल से उस सौर मंडल में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 7 मार्च को राहु और केतु अपने राशि परिवर्तन करेंगे। ये दोनों ग्रह छाया ग्रह और पापी ग्रह हैं, इनको छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है और इनकी जो गति होती है वह हमेशा वक्र होती है, उल्टी दिशाएं उल्टी राशियां पकड़ती हैं। तो राहु जो कि कर्क राशि में विराजमान थे वह मिथुन राशि में चले जाएंगे और केतु जो कि मकर राशि में थे वह धनु राशि में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। वहीं सूर्य 14 मार्च को आय स्थान से व्यय स्थान पर यानी मीन राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा की बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मेष राशि के जातकों में इस मार्च के माह में अधिक क्रोध देखने को मिल सकता है। आपका बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। अष्टम स्थान में मंगल की दृष्टि से रक्त संचार में कमी या रक्त संबंधित दिक्कतें भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। 22 मार्च के बाद मंगल द्वितीय स्थान में चले जाएंगे और वहां से सप्तम स्थान की दृष्टि से यानी कि पूर्ण दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे तो ये स्थिति आपको थोड़ा नकारात्मक साबित हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जब भी मंगल आठवें घर में या आठवें घर से संबंध बना ले तो वहां चोट इत्यादि का खतरा बढ़ सकता है। वहीं बात करें राहु और केतु की तो राहु जो कि आपके पराक्रम स्थान में आ जाएंगे और केतु भाग्यस्थ हो जाएंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप थोड़ा आलसपन आपके अंदर आ सकता है,
अर्थात इसको अपने अंदर ना पनपने दें। यदि बात करें आपके वित्त की, तो आपके आय के निरंतर साधन बनते रहेंगे सूर्य, जो कि कुंभ राशि में है और आय के स्थान पे हैं, तो आय आपकी निरंतर बनने वाले हैं। साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि होने वाली है 14 तारीख के बाद, जब सूर्य का द्वादश स्थान में यानी मीन राशि गत हो जाएंगे, तो आपको आपके यहाँ पर खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। और बहुत भारी जोखिम उठाने से बचना होगा। यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी इत्यादि में अपने मार्केटिंग में और फाइनेंस में आपने आप बड़े निवेश करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको संभल कर निवेश करना चाहिए। और यथासंभव यदि टाल सकते हैं तो आप इसे टाल दें। जब तक सूर्य मीन राशि में है, तब तक आपको विशेष रूप से फाइनेंशियली दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, आपका पैसा फंस सकता है। यदि कार्य क्षेत्र की बात करें, तो कर्म क्षेत्र में शुक्र मकर राशि में विराजमान है, 7 मार्च तक केतु भी वहीं विराजमान रहेंगे, लेकिन 7 मार्च के बाद केतु जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे और वहां पर शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में रहेंगे, तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्रीज, कला नृत्य सौंदर्य और चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जो लोग ब्यूटिशियन हैं और सौंदर्य ब्यूटीज का कार्य करते हैं, उन लोगों के भी यहाँ पर अच्छे योग देखने को मिल सकते हैं। म्यूजिशियन और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी यहाँ पर अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ज्वेलर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा समय होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। मित्रों, चंद्रमा बहुत गतिशील ग्रह है, यह 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जब चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, तो वह शुभ फल प्राप्त करते हैं। और वही चंद्रमा जब क्रूर व पाप ग्रहों से युति बनाते हैं, तो वह चंचलता चपलता अधिक दे देते हैं, मन को भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए 1 माह के अंदर हम सबके, चाहे हम जितने भी हैं, सबके 6 से 8 दिन बहुत, जैसे गुप्त समस्याएं, मानसिक चिंतन या मानसिक परेशानियां, और कभी कभी हमें आर्थिक स्थितियों से भी उलझना पड़ता है, यह सब चंद्रमा के कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज है। अब मैं वही तारीखें आपको बताने वाला हूं, जिन तारीखों में आप अलर्ट रह सकें और अपनों का तथा अपने आप का ख्याल रख सकें। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा सूर्य के साथ रहेंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य के तेज से चंद्रमा अस्त होते हैं, लेकिन आय स्थान में रहते हैं, तो यह स्थिति आपको उभरने वाली होगी। ये उस स्थिति आपको उभारेगी आपके कर्ज से। 10 और 11 को चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे और मेष में चंद्र और मंगल का योग बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा योग रहने वाला है। वही 14 को मिथुन राशि में जाएंगे और 15 को मिथुन राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। वहीं 27 और 28 को शनि के साथ विष योग और केतु से ग्रहण योग बनेगा, तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसलिए इस 4 डेटों में आप विशेष सावधान रहें, अलर्ट रहें। आपका यह माह खुशियों से भरा हो, यही हमारी मनोकामना है। यदि मेष राशि के जातक अधिक परेशानियों से ग्रसित हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ पर शहद से अभिषेक करें। आपका यह माह कल्याणप्रद हो।